हेलो एवरीवन, पूनम्स मिनी वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं पूनम। कैसे हैं आप सब लोग? आज की मेरी रेसिपी है हरी मिर्च और लहसुन की चटनी। ये एक चटनी है जिसमें लोग रोटी और पराठा भी खा लेते हैं, सब्ज़ी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम इसमें अच्छे से रोटी खा लेते हैं, लेकिन मैं ऐसे ऐसे नहीं खा पाती हूँ, मुझे बहुत तीखा लगता है ये मिर्च। चाहे हरी हो या लाल हो, तीखापन कोई भी अच्छा नहीं होता है हमारी हेल्थ के लिए। मैं इसे अपने सब्ज़ी और दाल में टेस्ट मेकर के रूप में इस्तेमाल करती हूँ। जब कभी दाल हम बनाते हैं, सब्ज़ी बनाते हैं, जैसे भिंडी की सब्ज़ी बनाते हैं या फिर आलू की फ्राई सब्ज़ी बनाते हैं सूखी वाली, तो अगर इसकी एक चम्मच डाल दी जाए तो खाने के स्वाद को ये बढ़ा देता है, दाल सब्ज़ी का फ्लेवर अच्छा आ जाता है। तो चलिए इसे बना लेते हैं, इसकी रेसिपी हम देख लेते हैं। ये मैंने कुछ हरी मिर्च ली है और उतना ही मैंने लिया है लहसुन। तेल गरम कर लेते हैं, तो 3 टेबलस्पून मैंने तेल लिया है, गरम कर लिया है। इसमें डाल देते हैं लहसुन और साथ में ही डाल देते हैं हरी मिर्च। दोनों को फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम को अभी मैंने हाई किया हुआ है। पैन जब ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो उसके बाद हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे। तो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। साथ में इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच जीरा। जीरा भी भुन जाएगा, अच्छा फ्लेवर आ जाएगा जीरे का भी। तो 5-7 मिनट से फ्राई कर लेते हैं। अब ये फ्राई हो गए हैं, इससे ज़्यादा हम इसे फ्राई नहीं करेंगे। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इन सबको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। दरदरा ही पीसेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे। तो पैन में हमने डाल दिया है ऑयल, उसी पैन में डाल दिया है ऑयल और साथ में डाल देते हैं कलौंजी और पिंच ऑफ हींग। 1 मिनट चला लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद हम डालेंगे इसमें 1 टमाटर, बारीक कटा हुआ टमाटर है, 1 टमाटर है। लहसुन और हरी मिर्च की चटनी में लोग टमाटर नहीं डालते हैं, लेकिन मैंने इसमें डाला है क्योंकि थोड़ा सा कलर भी अच्छा आ जाएगा, फ्लेवर भी आ जाएगा टमाटर का, और जो तीखापन है हरी मिर्च का वो भी कम हो जाएगा, इसलिए मैंने इसमें टमाटर ऐड किया है। टमाटर को पका लिया है 2 से 3 मिनट, टमाटर गल गए हैं। तो अब इसमें डाल देते हैं हरी मिर्च और लहसुन का जो हमने पेस्ट बनाया था, पीसा था, वो डाल देते हैं। नमक डाल देते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग और चला लेते हैं अच्छी तरह से। 2 से 3 मिनट पकाएंगे, अच्छी तरह से चला लेते हैं, नमक मिक्स कर लेते हैं। तो ये हो गया है। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे, इसे हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इसे कंटेनर में भर लेंगे, छोटे से कंटेनर में मैंने रख दिया है। 5 से 6 दिन तक इसको हम फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। तो चटनी के रूप में ले सकते हैं, साइड डिश के रूप में ले सकते हैं, या फिर दाल सब्जी में डाल के इसे खा सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।